नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको बता दें, हमारे इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा आधार हमारा पर्यावरण है, क्योंकि हमारी सांसें हमारे जीवन के लिए जो स्वच्छ वातावरण है वो हमारे पर्यावरण से निर्मित होता है। विश्व पर्यावरण दिवस के आज इस मौके पर सबसे पहले हम एक फोकस करेंगे इतिहास पर। तो हम आपको बता दें, मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन है वो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 ईस्वी में किया गया था, और इस 1972 का जो आयोजन था वो 5 जून को किया गया था, जहां से हमने संकल्पना ले लिया कि हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन का वर्षगांठ मनाएंगे 5 जून को, और ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाएगा। और हमने जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया वो वर्ष 1974 था, हमने 1974 ईस्वी से पहले विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किया। आज पर अगर हम फोकस करें तो आज 5 जून 2022, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम लोग मना रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन का 50वां वर्षगांठ, और हम आपको बता दें ये 50वां वर्षगांठ जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, आज 2022 का जो अध्यक्षता है या 2022 के आयोजन का जो जिम्मेदारी है वो स्वीडन को प्रदान की गई थी, और स्वीडन इसकी आज मेज़बानी कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस की। और स्टॉकहोम सम्मेलन जब आयोजित किया गया था 1972 में, तो उसका सिद्धांत रखा गया था सभी के लिए एक ही पृथ्वी। और हम आज आपको बता दें 2022 की थीम वही स्टॉकहोम सम्मेलन के सिद्धांत को वापस दोहरा करके रखा गया है। आज 2022 की थीम निर्धारित की गई है सभी के लिए एक ही पृथ्वी। और इसका मतलब क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें पूरी पृथ्वी को अपना घर समझ करके चलना है, हमें पूरी पृथ्वी को अपना घर मान करके चलना है, और हमें अपने क्षेत्र विशेष में अपने देश में ऐसी कोई गतिविधि आयोजित नहीं करना है जिसका नकारात्मक प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता हो। और अंत में मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन का, हमारी सांसों का मूल आधार हमारा पर्यावरण है। संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा, उसकी सुरक्षा तथा उसका विकास करेगा। हम सभी लोग अपने खुद के कर्तव्यों, व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्यों, देश के संविधान के द्वारा प्राप्त निर्देशों और अपने नागरिक गुणों के कर्तव्यों के कारण संकल्पबद्ध हैं अपने पर्यावरण की रक्षा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अतः आज हम सभी लोग मिलकर के पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का की रक्षा और पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं। आइए मिलकर के इस बात का संकल्प लेते हैं, हम सभी लोग इस कार्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।